जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 16 मार्च मंगलवार के दिन तुला राशि वालों, आपकी राशि तुला पर अश्वनी नक्षत्र ब्रह्म योग में मंगल और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की छाया होगी, चंद्रमा शुक्र और बुध की दृष्टि होगी। अश्वनी नक्षत्र ब्रह्म योग में बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख। आज मंगलवार के दिन आपके जीवन में बहुत खुशियां मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, जो आपके भाग्य को बदलेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। 16 मार्च के दिन एक अच्छे दिनों की शुरुआत, जिसमें आपको बड़ा लाभ होगा। आज जीवन में सुख और धन आपको प्राप्त होगा। अचानक आपके भाग्य में सुख और धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तुला राशि वालों आज अश्वनी नक्षत्र ब्रह्म योग में मंगल और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की छाया होगी, चंद्रमा बुध और शुक्र की दृष्टि होगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी कुंडली को देखें तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में केतु का गोचर हो रहा है, जबकि अष्टम भाव में मंगल बैठा है। केतु पर मंगल की दृष्टि और मंगल पर केतु की दृष्टि। आज भाग्य चमकेगा, किस्मत अवश्य बदलेगी, क्योंकि आज राहु आपकी राशि तुला के अष्टम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है, जबकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि तुला के सातवें भाव पर है। बुध शुक्र के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि सूर्य का गोचर आपकी राशि तुला के छठे भाव पर है। आपकी कुंडली में भाग्य को चमकाने वाला शुभ योग नजर आ रहा है, जो आपके जीवन में बड़ा लाभ देगा। एक अच्छे दिनों की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत आपके भाग्य को बदलेगा। अचानक आपके जीवन में उन्नति तरक्की का योग बनेगा, जिससे आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा, जिसके कारण धन की कमी दूर होगी। आज आप बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, आज आप प्रभावशाली बनेंगे, बड़ा फायदेमंद दिन है। नौकरी व्यापार में बड़ा लाभ होगा, आपका मन आज सुंदर और सुखी होगा, जिससे आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। अच्छा लाभ मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस, उमंग और उत्साह जीवन में आपको आगे लेकर जाएगा। आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। घर परिवार में सुख और धन की बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है। ऐसे समय में नौकरी व्यापार में बड़ी सफलता हासिल होती है। अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है। ये समय आपके लिए बड़ा सुखद योग लेकर आया है। आज का दिन भाग्यशाली है, भाग्य का साथ, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि, जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि तुला के कर्म स्थान पर है, वहीं शनि आपकी राशि तुला के लाभ स्थान में अपना प्रभाव दिखा रहा है। चंद्रमा सप्तम भाव में उदय होकर आपके लग्न को देख रहा है और आपके लग्न का स्वामी शुक्र बुध के साथ गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों आज मंगल और केतु का प्रभाव है, अश्वनी नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, मंगल के मित्र ग्रह सूर्य बृहस्पति चंद्रमा है। चंद्रमा आज सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। चंद्रमा के कारण आज आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी,
बृहस्पति के कारण धन मिलेगा और सूर्य के कारण आप तेजस्वी और प्रतापी होंगे। केतु जो आपकी राशि तुला के द्वितीय भाव में बैठा है, केतु के कारण धन धान से परिपूर्ण आपका जीवन होगा। केतु के मित्र ग्रह बुध शुक्र शनि है, जिसमें बुध और शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जबकि शनि अपने घर में बैठा है। शनि सुख स्थान में बृहस्पति के साथ है, जिसके कारण आपको बड़ा लाभ होगा, एक नई पहचान बनेगी, बड़ी कामयाबी और तरक्की देखने को मिलेगी। आप मन लगाकर अपने काम को करते रहें, आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता कामयाबी अवश्य आपको मिलेगी। आज बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी भाग्य में धन संपत्ति का सुख बढ़ने वाला है। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, किस्मत के सितारे आप पर मेहरबान हैं, आपका भाग्य चमकेगा, किस्मत बदलेगी, बड़ी कामयाबी मनचाही सफलता। आज तो बड़ा सुंदर समय है, ऐसे समय में सोच समझकर अपने काम को करते रहें, मेहनत से अपने काम को करें तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों, ऐसे समय में जीवन की परेशानियां दूर होती है, ऐसे समय में बड़ा लाभ का योग बनता है, ऐसे समय में नौकरी व्यापार में लाभ मिलना शुरू हो जाता है और आपके जीवन में खुशी और धन की प्राप्ति होती है, मन में शांति होती है। कड़ी मेहनत से आप अपने जीवन की दिशा को बदलते हैं। भविष्य में आपके लिए आज का दिन सुंदर साबित होगा, क्योंकि आज जो काम करेंगे आने वाले समय में उस काम का बेहतर नतीजा आप हासिल करेंगे। तुला राशि वालों, विस्तार से राशि फल जानने से पहले चलिए हम जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज 16 मार्च मंगलवार का दिन है, फागुन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, अश्विनी नक्षत्र ब्रह्म योग, मंगल और केतु का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा शुक्र बुध की दृष्टि। आज सुबह 6:12 से 12:54 तक यह समय आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। इस समय आपके भाग्य बदलेंगे, जीवन में उत्साह, उमंग, खुशी और कामयाबी सब कुछ मिलेगा। आज आपके जीवन में बड़ा लाभ का सुंदर योग बन रहा है, जो आपकी किस्मत को बदलेगा, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। आज आपको अपने रिश्तों में प्यार देखने को मिलेगा, क्योंकि आज चंद्रमा सप्तम भाव पर उदय हुआ है, जिसके कारण जीवन साथी का प्यार सुख आपको प्राप्त होगा। संपत्ति उन्नति सुख के लिए आज का समय अत्यंत शुभ है, आपके जीवन में उन्नति का अच्छा अवसर आज देगा। शुभ मुहूर्त में जो भी काम करेंगे उसमें बड़ी सफलता और कामयाबी पाएंगे। आज का राहु काल 3:30 से 5 तक है। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज विजय मुहूर्त 2:30 से 3:18 तक। विजय मुहूर्त में भाग्य चमकता है, किस्मत बदलती है, आपके जीवन में खुशी और धन की प्राप्ति होती है। विजय मुहूर्त में ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, विजय मुहूर्त में ही नौकरी और व्यापार में लाभ होता है। आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक उत्साह, एक खुशी आपको देखने को मिलेगी। आज भाग्य सौभाग्य चमक रहा है, भाग्य के सितारे बुलंद हैं। आज अपनी मेहनत के दम पर आज हर काम को आप करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। जीवन की परेशानी, बाधा, कष्ट दूर होगी और आपके जीवन में लाभ का योग बनेगा। तुला राशि वालों, आज अश्विनी नक्षत्र ब्रह्म योग है, मंगल और केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, चंद्रमा बुध शुक्र की दृष्टि है। मंगलवार का दिन है, तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष का समय है। दिन की शुरुआत उत्तर दिशा की तरफ से ना करें,
आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 8 होगा। तो 16 मार्च मंगलवार का दिन, आज के दिन आप हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को लाल पुष्प सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, दिन की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन के बाद ही करें। हनुमान जी का आशीर्वाद जीवन में सुख उन्नति और सुख देगा, जीवन में लाभ देगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य के सितारे बुलंद हैं। तुला राशि वालों, आज 16 मार्च मंगलवार का दिन अश्वनी नक्षत्र ब्रह्म योग आपके जीवन में बड़ा सुंदर योग बना रहा है, अच्छे परिणाम लाभ भाग्य सौभाग्य। आज दिन आपका अच्छा है, अच्छे दिनों की शुरुआत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। तो आप मेहनत से काम करते रहें, आपकी हर परेशानी दूर होगी, आपके जीवन में उन्नति का अवसर मिलेगा, प्यार बढ़ेगा, आप अपने जीवन में तेजी से उन्नति करने में कामयाब होंगे। आज का दिन हर तरह से कल्याणकारी है, धन का लाभ, नौकरी व्यापार में सफलता, स्टूडेंट के लिए बड़ी सफलता का योग जो आपके जीवन की रुकावटों को दूर करेगा, आपको अच्छा परिणाम देगा। तुला राशि वालों, 16 मार्च का दिन मंगल और केतु का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा, बुध और शुक्र की दृष्टि, आपकी कुंडली में बैठा मंगल और राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में, चंद्रमा का सप्तम भाव में उदय होना, बुध और शुक्र का पंचम भाव में बैठकर आपके लाभ स्थान को देखना, साथ ही साथ बृहस्पति और शनि का एक साथ गोचर करना आपके जीवन में अच्छे अवसर दे रहा है। भाग्य उन्नति के तरफ आगे बढ़ेगा, जीवन की संकट दूर होगी, आप बड़ी सफलता, मनचाही खुशखबरी प्राप्त करेंगे। आज स्त्री के बीच आप लोकप्रिय होंगे, प्यार का उत्साह, कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की, सुख के साधन का बढ़ना, आज जीवन आपके लिए सुंदर होगा। सुबह से ही भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के सितारे बुलंद हैं। तो तुला राशि वालों, 16 मार्च का दिन बड़ा भाग्यशाली है, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, जीवन की बाधाएं खत्म होगी, जीवन में लाभ होगा, एक नई शुरुआत होगी, आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी का योग है, आप धन कमाएंगे, उन्नति और तरक्की प्राप्त करेंगे। तो तुला राशि वालों, ग्रह पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तुला राशि वालों के लिए आज भाग्य सौभाग्य अच्छा है, भाग्य के सितारे बुलंद हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।